सो गाइस यहीं से ग्लेशियर आया था, ये बिल्कुल पीछे से जो आप देख पा रहे हो ये जगह, मैं हूँ नंगे पैर, फिलहाल मेरी कुपड़ी जम गई है, कौन कहता मेरी हालत ख़राब हो गई है। एंड देखो यार, इट्स एन ऑसम व्यू, जो कहते हैं जिस पर निशान पड़े हुए ना वो ग्लेशियर के पड़े हैं निशान इस वक्त, और आप लोग पूजा भी करवा सकते हो। खैर मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ, रात को मैं यहीं रुकी थी कोने वाला रूम में, वहाँ पे प्रशांत थे नीचे, क्योंकि मैं हम लोग इसलिए रुक गए क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी यार, बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। एक मतलब दिन इतना डिफरेंट हो जाता है ना कभी कभी, राइट। गाड़ी खुली हुई है, सामान रख लूँ पहले, एडजस्ट करके फटाफट से निकलती हूँ वापस। मैं आपको गौरीकुंड की स्टोरी बताना चाहती थी, कल तो मैं ब्लॉग ख़त्म भी नहीं कर पाई, इतनी टायर्ड थी, इतनी एग्जॉस्टेड थी, सामने से बस आ रही, अंदर ही बैठ के गौरीकुंड की स्टोरी बताती हूँ आपको। गौरीकुंड की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने सुना होगा कि शिवजी जी को का जो हमारे गणेश जी होते हैं वो अंदर नहीं जाने दे रहे होते, जस्ट बिकॉज वो कहते हैं माँ ने बोला है वो पहले नहा लें, वो नहाने गई हुई हैं, जैसे ही वो नहा कर आएंगी तो वो अभी मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा द्वार के। तो शिव जी इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं और काफ़ी देवी देवताओं को वो रोकते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उसी टाइम पे हमारे ये जब शिव जी क्रोधित होते तो उनका गर्दन अलग कर देते हैं। एक मिनट गाइस, लुक एट देम हाउ दे रिलैक्स, जस्ट लुक गाइस दिस हाउ दे रिलैक्स। होटल सनिन। तो मैं सनिन पर हूँ, इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है।
एंड मोस्टली आई लाइक द पोहा, पोहा ज़्यादा यहाँ में, एंड सैंडविच नॉर्मल है. अभी ये नए खुले हैं, सो इट वॉज ऑन द वे. तो मुझे वॉशरूम भी अच्छा है, इनका वॉशरूम यूज़ करना था, तो आई एम प्रोबेबली सिटिंग हियर फॉर द ब्रेकफास्ट. दोनों नदियों का मिक्स मतलब मिलती है मुझे, संगम होता है. आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी ये चीज़, तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, और जिसने राइट कमेंट करा तो ऑब्वियसली गिव अवे इज देयर. सो दो नदियों का मिक्सचर होता है, एंड मतलब संगम होता है, नॉट मिक्सचर, और गंगा बनती है. अभी एज सच ट्रैफिक नहीं है आज रोड्स पे, नहीं तो केदारनाथ भरा पड़ा है ट्रैफिक से और लोगों से, एंड बद्रीनाथ की तरफ भी काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी. प्लस रास्ता इतना ख़राब है कुछ जगह कि आपको 200 किलोमीटर पार करने में कम से कम 8 घंटे या 7.5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे जो ड्राइवर्स होते हैं उनको लग सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं. मेरे को भी ऋषिकेश पहुंचने में अराउंड 1.5 घंटा है, 1.5 से 2 घंटा. जब मैं देवप्रयाग टच करूंगी तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो पहले देवप्रयाग टच कर लेते हैं. और शीशा पूरा गंदा हो चुका है धूल की वजह से. मैं देवप्रयाग में हूँ, देवप्रयाग पहुंच चुकी हूँ. यहाँ पे बहुत लोग साइड्स में रुक कर फोटो खिंचवाते हैं. अभी तो शीशा थोड़ा सा ऐसे ही देखना पड़ेगा, या तो मैं आपको अपनी शक्ल. तो अभी तक जितना पेट्रोल लग चुका है वो कल ही लास्ट मैंने डलवाया था, तो मैंने पेट्रोल जो लास्ट डलवाया था वो था 23 या 2200 के नियम. मतलब जो टोटल पेट्रोल है वो मेरा लग चुका है 5000 के से कम. तो अभी मेरे पास काफ़ी पेट्रोल है, बट मैं कल डलवाऊंगी घर निकलते वक्त. एंड अभी अगर कोई ऊपर जाने के लिए सोच रहा है तो क्लाइमेट इज गुड, बाकी फिर भी पता करके जाना, बर्फ का कुछ होता पता नहीं. हम चलते हैं अपने रास्ते की तरफ. सो गाइस मैंने इन बिटवीन वॉशरूम करने रुकी थी, मैंने शाही पनीर खाने नहीं ऑर्डर कर दिया, फिर आई एम टायर्ड. यू मस्ट सी शिवपुरी से 30 मिनट्स का, 30-35 मिनट्स का डिस्टेंस है. आपको पता होगा शिवपुरी से ही सबसे बड़ी मतलब वो स्टार्ट होती है क्या, राफ्टिंग. कल से पानी का बहाव बहुत है क्योंकि बारिश, स्नोफॉल हुआ था. बारिश का तो मुझे आइडिया नहीं, पर स्नोफॉल ज़रूर हुआ था. चलो चलते हैं, अरे पहुँचना है. मिशेल की साउंड कितनी प्यारी होती है ना अपने आप में. Back to the same view, back with the same things. Rooftop cafe. देखूंगी मैं आज, पीछे से घूमने जाऊंगी मैं फिर से. गाड़ी लगाने में लग जाती है मेरी कभी कभी बैंड.
चलो लेट्स बात, मतलब लेट मी बात जिन्हाने दो, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। मान देखते हैं, पहले नहा लेते हैं। वही शीशा, पता नहा के एक सुकून मिलता है। बॉडी इतनी पेन हो रही है, मैं बता नहीं सकती। ऐसा नहीं है ट्रैक की आदत नहीं है, बट आई डोंट नो, मसल्स जकड़ जाती हैं घुटनों के आसपास की। घुटने आवाज़ नहीं करते। आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फिट, आई एम एक्सरसाइजिंग एवरी डे। हाँ, ट्रैवलिंग के वक्त का कोई मिस हो जाता है। मैं जाऊँगी आज ऋषिकेश की लक्ष्मण झूले से लेके कोई नया एक्सप्लोर करने कैफे। अभी थोड़ा रेस्ट करके, बिकॉज नींद पूरी नहीं है। गाड़ी में नींद आ रही थी ड्राइविंग करने के बाद। बाय गॉड, ड्राइव ट्रैक, ट्रैक ड्राइव। हाँ, सोना भी अभी मैं सोई थी। चलो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सो बैक टू द फेवरेट वन फॉर द कॉफी एंड द क्रोसोस।